बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज होती हुई दिख रही है। इसी क्रम में झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव जिलाउल रहमान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बढ़ते कीमतों को लेकर चरमबद्ध आंदोलन करने के मूड में है। मोदी सरकार लगातार किसान और गरीबों को दबाने में लगी हुई है, जिसका उदाहरण पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी देखा जा रहा है। पूरे झारखंड में कांग्रेस पार्टी बढ़ती कीमतों को लेकर आंदोलन करेगी। आज जनता तर्राही तर्राही कर रही है पेट्रोल और डीजल के वजह से, सारा चीज अस्त व्यवस्त हो गया है। देखिए कि यही मोदी सरकार 2014 में कितना लोगों को प्रलोभन दे करके आई थी इसी डीजल और पेट्रोल के बुनियाद पर, कि 35 रुपये 36 रुपये पेट्रोल हम देंगे। और आज का देखिए स्थिति कि 100 का आंकड़ा पार करने को है, सेंचुरी लगाने पर आमादा है पेट्रोल और डीजल। बहुत से राज्य में 100 के करीब पहुंच गए हैं, आज यहां भी 100 के करीब आने को है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और गैस का मार उसी हाल पर है, सब सरकार सब्सिडी भी बंद कर दी है गैस का। 830-835 रुपये का जो है वो सिलेंडर बिक रहा है। इस महंगाई के दौर पर क्या होगा लोगों का, ये चिंतित है। हम लोग इस पर ज़ोरदार उग्र आंदोलन करने को तैयार है। हमारे पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश के जो है वो 20 तारीख को इसी महंगाई को और किसानों के समर्थन में एक रैली का आहूत की गई है, उसमें भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित हो, यह उम्मीद है।